राठौड़ साहब आप कहाँ गायब हो गए थे? मैं गायब नहीं हो गया, आपके मित्र का प्रयास रहता है कि मैं गायब हो जाऊं, पर अब इतने वर्षों तक तो मुझे गायब कर नहीं सके ये। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं एक बात जो सुबह से लेकर अब तक सभी वक्ताओं ने कही वो प्रवासी श्रमिकों की कही, और आपने भी सही कहा कि अगर सारी सेवाएं सामान्य हो जाएगी तो भी आपके पास पोर्टल पर जो 19,20,000 लोग आज रजिस्टर्ड है उनको लाने में भी आपको 6 महीने नहीं तो 3 महीने जरूर लग जाएंगे। आज ये पैनिक क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि इसके लिए कई प्रकार की बयानबाजियां भी चली, और उधर अलग अलग राजनीतिक दलों ने, पीसीसी ने अपनी अलग हेल्पलाइन लगा ली, हमने अलग अपनी हेल्पलाइन लगा ली। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको कैटेगराइज करो। एक वर्ग ऐसा है जिस तरह आपने कहा कि एक वर्ग ऐसा है जो वर्ष पर्यंत दूसरे प्रदेशों में अपने नौकरी करता है, मजदूरी करता है, उसके पास वहां रुकने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको क्लियर कट मैंडेट देना होगा कि इस वर्ग को अभी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जिस प्रकार कहा कि जो अस्थाई तौर पर गए उनको लाना पड़ेगा। तीसरी बात जो आपने कही, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों के लिए को आपने कहा कि आप सूची बनाओ, ये कपड़ा फाड़ प्रोग्राम है मुख्यमंत्री जी। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जो 100% अपने लोगों की लिस्ट बना दे, अगर 10 भी लोग रह गए तो वो फिर कहेंगे अच्छा उस दिन आपको जब सूची थी मुझे मेरे गांव लौटना था तब तो कपड़ा फाड़ प्रोग्राम से तो इनको आप निकालो निकालो। तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, अभी आपको भी कई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का पत्र मिला होगा, इंडस्ट्रीज में जा जाके आपके अधिकारी लिस्ट बना रहे हैं, आप कहां के श्रमिक हो, बिहार के हो, आप जाइए, आपको जाना है, आपके जाने का प्रबंध कर रहे हैं। आपको क्रेडाइज ने, एसोसिएशन ने लिखा, आपको फोर्टी ने लिखा, हमसे भी लोग मिल रहे हैं। बराया मेहरबानी, अगर इंस्टीलाइजेशन को चालू करना है, उद्योग को चालू करना है, तो इस प्रकार के सर्वे के नाम पर इनकी जो रवानगी हो रही है इस रवानगी को रोकने का काम करें। और मेरा एक सुझाव यह है कि अभी 17 तारीख के बाद में हालात बदलेंगे, अभी भी हालात बदले हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि 9 अप्रैल को चिकित्सा मंत्री जी ने कह दिया था भी हमने 6,20,00,000 के लोगों की स्क्रीनिंग कर ली, तो अब जो 9 करोड़ हो गई है, चलो अच्छा है, अब जो लोग मुख्यमंत्री जी उन लोगों की स्क्रीनिंग पहले करें जो पब्लिक टच में है। जिस प्रकार आज जयपुर के अंदर सब्जी ठेलाओं के ठेले विक्रेता के कारण से संक्रमण फैला, इसी प्रकार जो दुकानदार खोलता है, दुकान खोलता है, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, इस प्रकार के ग्रुप की स्क्रीनिंग आप सही में करें ताकि ये बात नहीं आए। ये स्क्रीनिंग 9 करोड़ 10 करोड़ इस पर मैं विवाद नहीं करना चाहता, पर अगर इस आज जिस प्रकार अगर स्क्रीनिंग प्रॉपर हुई होती तो शायद जयपुर के अंदर ये 28-27 जो है वो लोग इस संक्रमण को फैलाते नहीं। तीसरा मेरा निवेदन है, बहुत से लोग अब अलग अलग रास्तों से अपने अपने गांव में पहुंच गए हैं, चाहे वो किसी रास्ते से पहुंचे। अब आपने कल जो गाड़ियां लगाकर जिन लोगों को बॉर्डर पर बिठाया है, अगली स्टेट उनको ले नहीं रही है, हमने उनको बॉर्डर पर ले जाके छोड़ दिया, तो मैं समझता हूं एक अमानवीय कृत्य हो गया कि वहां निश्चित तौर पर वो कितनी देर कितने दिनों तक वहां रहेंगे। इसलिए जो आज ऑनलाइन जो इन ट्रांजिट है, चाहे वो पैदल चल रहा है, आपने चरण पादुका की बात कही, मैंने चरण पादुका का कार्यक्रम इसलिए चलाया, मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले थे, मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अहमदाबाद से पैदल चलते चलते किसी न किसी ट्रक में बैठे और चले, जब वो मुझसे मिलने आए और जब मेरी निगाह उनकी चरणों की तरफ गई तो उनकी चरण पादुका में छेद ही छेद थे। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इन बात को आप देखो। और मैं आखिरी बात ये कह रहा हूं कि ये COVID-19 के बाद में आपके दूसरी जो बीमारी लोग हैं, जो कई लोगों ने और भी कही, इन बीमारियों की तरफ से चिकित्सकों का ध्यान किसी न किसी कारण से हट गया। अब आपने आयुष्मान योजना को अलग रूप में लागू किया, अब 13 दिसंबर के बाद में आपकी इंश्योरेंस कंपनी कोई आई नहीं, ये जो 1025 जो आपके हॉस्पिटल इन पैनल थे, आज की तारीख में 3 बार चेतावनी देने के बाद भी आपके ये हॉस्पिटल आपको कॉर्पोरेट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, आप कृपया इनका कोई बकाया पैसा है 700-800 करोड़, वो आप इनको निश्चित तौर पर दें। और मैं एक बात और कहूंगा मुख्यमंत्री जी, ये मंडियां बंद पड़ी है, इसको पॉलिटिकली मत लो आप, ये वक्त नहीं है टैक्स लगाने का, मंडियां 5 दिन से बंद पड़ी है, खुदरा व्यापारी काम नहीं कर रहा और ये टैक्स लगाया, और इसके कारण से जो आपका दूसरा दुकानदार है वो सामान नहीं ले पा रहा, ये एक और किल्लत पैदा हो रही है, आप रोल बैक करो इसको तत्काल।
इसके साथ ही आप 3 महीने के बिजली और पानी के बिल को भी आप एक तरह से स्थगित मत करो, इनमें तय करो, वरना आप स्थगित करके दोबारा बिल लोगे तो प्याज के साथ लोगे। तो इसके बारे में अभी आप तय करें। और एक मैं आखिरी बात ये कहूंगा, ये सोशल मीडिया पर अलग अलग टिप्पणियां लोग करते हैं, निश्चित तौर पर रोकी जानी चाहिए, पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी के नाम पर एक एक प्रकार के लोगों पर मुकदमे की जो झड़ी लगा दी ना, इस पर निश्चित तौर पर आपको सोचना चाहिए। और आखिरी मेरा आपसे यह है कि जो प्रवासी आ गया, दो तरह के हैं, बहुत से बड़ी संख्या में लोगों का ना तो इनका जॉब कार्ड बना हुआ नरेगा में, ना ये बीपीएल में है, ना किसी योजना में है। इनको आप चूंकि पहले 45 दिन तक वहां लूटा पिटा रहा अपने इलाके में, अब 14 दिन यहाँ आइसोलेशन में रहेगा, आप इनके तदर्थ रूप से जॉब कार्ड बनाओ, तदर्थ रूप से इनको बीपीएल में शामिल करो और इनको एक बार 5,000 रुपए परिवार की सहायता करें और इनको अनाज दें, तब तो काम चलेगा। और मैं समझता हूं कि ये उद्योग धंधे चालू करने की भी हमारी नीयत रहनी चाहिए, इसके बारे में निश्चित तौर पर करना चाहिए। और जो प्रवासी लोग आए हैं मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, इन लोगों की स्क्रीनिंग एक्चुअल में करो आप। ये जो आप पाली, जालौर, नागौर, जोधपुर, चूरू, चित्तौड़ और राजसमंद, इनमें जो नए रोगी आए हैं, ये नए रोग फैलाव का कारण ये प्रवासी लोग हैं। 9 करोड़ के इस बात करने से नहीं होगा, एक्चुअल में आप करो, ये मेरी प्रार्थना है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।